नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। इनेलो बसपा गठबंधन ने SYL के मुद्दे पर 18 अगस्त को हरियाणा बंद का किया आह्वान। आपको बता दें कि इनेलो बसपा गठबंधन के जिला कैथल में कार्यकर्ताओं ने एक सम्मेलन आज RKM पैलेस में आयोजित किया गया। सम्मेलन में इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने SYL के मुद्दे पर कार्यकर्ताओं को 18 अगस्त को हरियाणा बंद करने का आह्वान किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह विधानसभा में भाजपा सरकार को जगाने के लिए ढोलकी लेकर जाएंगे, क्योंकि भाजपा सरकार ने MSP के नाम पर मात्र 2 रुपये न्यूनतम मूल्य बढ़ाया है और हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ अपने घर के मुख्यमंत्री के आवास पर ढोल बजाते हुए नाचते हुए गए थे, जबकि किसान को उनकी लागत प्रति क्विंटल 1,000 रुपये से कम मिल रहा है, इसलिए वह भाजपा को जगाने का काम करेंगे। पत्रकारों ने जब पूछा कि विधानसभा में ढोलक बजाना प्रतिबंधित है, ऐसा विधानसभा स्पीकर ने अपने बयान में कहा था। इस पर उन्होंने कहा कि मौका देखेंगे और पूछेंगे कि यह वे कैसे रोकते हैं और किस कानून के तहत उनको रोका जाएगा। SYL के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में SYL से बड़ा मुद्दा और दूसरा कोई नहीं है, यह सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे को लेकर के लाखों लोगों ने जेल भरो आंदोलन के तहत गिरफ्तारियां भी दी है और इसी मुद्दे को लेकर के हरियाणा के लोग 18 तारीख को हरियाणा बंद करने जा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर के हरियाणा के वकील 9 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर में जाकर के अपना रोष प्रदर्शन करेंगे और गिरफ्तारियां देंगे और प्रधानमंत्री के नाम पर मेमोरेंडम भी देंगे और इस मुद्दे को लेकर के हरियाणा के वकील एक दिन स्ट्राइक भी करेंगे। छात्र संघ के चुनाव के मुद्दे पर अभय सिंह चौटाला ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि छात्र चुनाव को लेकर के हमारी पार्टी पहले दिन से ही एक फैसला किए हुए है और चुनाव प्रत्यक्ष ही होंगे और सरकार छात्रों के अधिकारों पर किसी प्रकार की रोक लगाने के बजाय उनको प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी यूनियन बनाने का अधिकार दें। आप देख रहे हैं पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की ये रिपोर्ट। और उनको नचवाएंगे तो ये बयान किस संदर्भ में दिया? BJP के नेताओं ने पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री ने थोड़े से रेट बढ़ाए थे उसके ऊपर फसलों की MSP पे जो रेट बढ़ा छोटा मोटा उसके ऊपर इसने धनखड़ साहब ने ढोल बजा करके अपने घर से मुख्यमंत्री के आवास तक गया और नाश्ता हुआ गया था तो सरकार की सिफारिशें होती है। हरियाणा प्रदेश की सरकार ने जो फसलों की सिफारिश कर रखी है उसके मुताबिक हरियाणा प्रदेश के किसान को जो सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में 200-250 रुपये की बढ़ोतरी करी है उससे उसकी पूर्ति नहीं होती। आज भी हरियाणा प्रदेश के किसान की लागत से उसको 1,000 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से कम दिया जा रहा है, इसलिए जिन लोगों ने ढोल बजा करके नाचने का काम किया था उनके लिए ढोलकी लेके जाऊंगा। तो स्पीकर साहब ने कहा कि विधानसभा में ढोल तो अलाउड नहीं है तो कैसे होगा? देख जाते हुए कैसे रोकेंगे, कौन से कानून के तहत रोकेंगे वो देखने वाले। सर स्पीकर साहब ने कहा है कि SYL के मुद्दे को लेकर काफी गर्मा गर्मी रहती है जिससे और जनहित के मुद्दे रह जाते हैं, आप क्या कहते हैं? हरियाणा प्रदेश में SYL ही सबसे बड़ा